गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपने सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेम सिंह तमांग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच हिमालयन स्टेट। प्रेम सिंह तमांग हाल ही में कौन से हिमालयन स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, आपको ये बताना है। तो ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से हैं और ये बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर सिक्किम के फॉर अ सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इन्होंने ओथ ली है और ओथ को एडमिनिस्टर किया है यहाँ के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने, कहाँ पे, एट पलजोर स्टेडियम इन गैंगटक। और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स इनके प्रेजेंट थे इनको चीयर अप करने के लिए। और ऑल्दो इस स्टेट में फायर क्रैकर बैन है, उसके बावजूद सेलिब्रेशन हुए हैं और 11 और भी मिनिस्टर्स हैं जिनको कि स्वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर फिर से कौन बन गए हैं, आंसर है प्रेम सिंह तमांग। चलिए कुछ रिसेंट इलेक्शन देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अपकमिंग 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जो 79th सेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, उसके लिए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है फिलेमोन यांग। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो याद रखिएगा कैमरून कंट्री के। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्रीज वर इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 2025-26 टर्म। इस टर्म के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे कौन सी कंट्रीज इलेक्ट हुई हैं, तो ये पांच कंट्रीज हैं। पहला है इसमें पाकिस्तान, सेकेंड है सोमालिया, फिर इसके बाद है डेनमार्क, फिर नेक्स्ट कौन सी है, ग्रीस, और लास्ट है पनामा। ठीक है, ये पांच कंट्रीज ऐसी हैं जिनको कि इसमें इलेक्ट कर लिया गया है। रिसेंटली हाला तोमास डॉटर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंड। रिसेंटली गीतानास नौसेडा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं लिथुआनिया कंट्री के लिए। रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर द टर्म 2025-2030, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जगजीत पवाड़िया। ठीक है, इनको री इलेक्ट किया गया है टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर दिस टर्म। रिसेंटली अ रेयर फोर हॉर्न एंटीलोप हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व में एक रेयर फोर हॉर्न एंटीलोप हमें पहली बार देखने को मिला है, तो ये टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यहाँ पे हमें ये जो रेयर फोर हॉर्न एंटीलोप है ये पहली बार दिखाई दिया है। पहले इस टाइगर रिजर्व को आप नौरादेही सेंचुरी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट एशियन एंटीलोप है और ये ज़्यादातर आपको इंडिया और नेपाल के रीजन्स में मिलेगा। ये जो एंटीलोप्स हैं ये ज़्यादातर आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में दिखाई देंगे। इसके अलावा हिली टेरेन्स में भी पाए जाते हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रास होती है या फिर अंडरग्रोथ कवर होती है। तो इनके जो हॉर्न्स हैं वो सिर्फ मेल ही ग्रो कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक बहुत खास बात क्या है कि IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस क्या है, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश, और ये जो फोर हॉर्न एंटीलोप हैं ये IUCN रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये वल्नरेबल है। चलिए कुछ लोकेशन देखते हैं इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व की जो पिछले दिनों न्यूज में थे। पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लाई करता है तमिलनाडु में। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये है महाराष्ट्र में। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द राजस्थान गवर्नमेंट टू शटर 68 माइंस दैट आर ऑपरेटिंग विद इन अ 1 किलोमीटर्स पेरिफरी ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ऑफ विच टाइगर रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर्स दिए हैं राजस्थान गवर्नमेंट को कि उन्हें अपनी 68 माइंस को बंद करना होगा जो कि ऑपरेट होती हैं विद इन द 1 किलोमीटर्स रेंज ऑफ विच टाइगर रिजर्व, तो आंसर हो जाएगा सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिंपली आपसे हो सकता है लोकेशन पूछ लिया जाए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, योर आंसर शुड बी राजस्थान। भद्र टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, भद्र टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है भूटान कंट्री ने। ठीक है, वेयर वॉज द 112th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड रिसेंटली। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 112th मीटिंग यानी कि 112th एडिशन का सेशन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का कहाँ पे हुआ है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, दैट इज ए ऑप्शन। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया यहाँ पे सेक्रेटरी सुमिता दावरा ने, और यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है ऑल अबाउट इंडिया के लेबर रिफॉर्म्स, सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स एंड द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। ठीक है,
तो जो मीटिंग थी आईएलओ लीडर्स के साथ, उसमें किस चीजों पे फोकस किया गया, लाइक ग्लोबल स्किल्स मैपिंग, सोशल सिक्योरिटी, ग्रीन जॉब्स एंड स्किल्ड वर्कर माइग्रेशन. इस डेलीगेशन में एम्फसाइज किया गया कि क्या केयर सेक्टर की इंपॉर्टेंस है, और इस दौरान डिफरेंट इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया गया, लाइक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है जीडीपी के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे बस वेन्यू याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये जो 112 नंबर की इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ पे हुई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में. अगली स्लाइड में कुछ चलिए समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज देखते हैं. रिसेंटली वेयर वॉज द फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हेल्ड. ये चौथा सेशन था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का. ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया, तो एंटीगुआ एंड बारबुडा में. ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेल्ड. ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है वियना में. ठीक है, वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में. फिर नेक्स्ट है, Recently, where was the India's progressive path in the administration of criminal justice system conference held? ये conference conduct हुई है गुवाहाटी, असम में. Recently, where was the Ocean Decade Conference 2024 held? Recently, Ocean Decade Conference कहाँ पे conduct की गई है, Barcelona, Spain में. ठीक है, Recently, where was an international humanitarian conference for Sudan held? ये conference conduct की गई है Paris में. ठीक है, Next है, Recently, which armed force has launched Vidyut Rakshak, which is an integrated generator monitoring, protection and control system? इसमें से कौन सी armed force है जिसने की launch किया है Vidyut Rakshak को, जो कि एक integrated generator monitoring, protection और control system है? Answer हो जाएगा C option, Indian Army. इन्होंने Vidyut Rakshak को introduce कराया है और इसको develop किया है Army Design Bureau ने. इसमें Internet of Things technology को use किया गया है और इसके through operations को automate किया जाता है, फॉल्ट्स को प्रेडिक्ट किया जाता है, और ये काम करेगा विद ऑल टाइप ऑफ जनरेटर टाइप्स. पर्पस यहाँ पे क्या है, मैन पावर को सेव करना. ठीक है, तो ये पार्ट था ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन का, और इसके थ्रू आर्मी के टेक कमिटमेंट को हाईलाइट किया गया है और इसको शोकेस किया गया एट एरो इंडिया 2023, और फिलहाल ये आर्मी यूज कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आंसर है इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है विद्युत रक्षक को. चलिए कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो हाल फिलहाल न्यूज में थी. पहला है, Recently, where was the Japan-India Maritime Exercise 2024 started? JMEX कहाँ पे हुई है start? Answer हो जाएगा Yokosuka. ठीक है, Yokosuka कहाँ पे है, Japan में. हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि JMEX कौन से दो countries के बीच की exercise है, Japan and India. Exercise Tarkash, a joint counter-terrorism exercise recently held between which two countries? Exercise Tarkash, India और US के बीच की counter-terrorism exercise है. Which two countries recently carried out the 7th edition of joint military exercise Shakti? Exercise Shakti होती है India और France के बीच में. Dustlick joint military exercise recently seen in the news conducted between which two countries? Dustlick है India और Uzbekistan के बीच की. और last है, IMT trilateral exercise recently seen in the news is conducted between which one of the following countries? IMT trilateral exercise कौन से तीन countries के बीच में होती है? India, Mozambique and third country है इसमें Tanzania. ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ समाधान प्रकोष्ठ इन द चीफ सेक्रेटरीज ऑफिस टू रिजॉल्व द पब्लिक ग्रीवेंसेस. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने समाधान प्रकोष्ठ को एस्टैब्लिश किया है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, जिससे कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिजोल्व किया जा सके? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट, दैट इज ए ऑप्शन. हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है समाधान प्रकोष्ठ को चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, जिससे कि जो भी पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं उनको एफिशिएंट तरीके से एड्रेस किया जाए. इस इनिशिएटिव में समाधान शिविर भी इंक्लूडेड है. समाधान शिविर के सेशंस बेसिकली डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में डेली बेसिस पे होंगे. पर्पस है जो भी इश्यूज हैं लोगों के उनको रिजॉल्व किया जाए. पब्लिक ग्रीवेंसेस को कैटेगराइज किया जाता है दो चीजों में. फर्स्ट है यहाँ पे पॉलिसी मैटर्स, और सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स. ठीक है, तो जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं इनको कौन देखता है, ये हैंडल करता है स्टेट हेडक्वार्टर, और जो इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेकआउट किए जाते हैं. तो की ऑफिशियल्स डेली बेसिस पे कन्वीन करेंगे एट द डेप्यूटी कमिश्नर्स एंड एसडीओ ऑफिसेस, जिससे कि इनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए. तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, हरियाणा. ठीक है, चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विद 100 crore rupees इन्वेस्टमेंट. 100 crore rupees का इन्वेस्टमेंट किया है राजस्थान स्टेट ने. पर्पस क्या है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करना. राजा जी राघव बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. इंडिया का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर है राजा जी राघव बायोस्फीयर रिजर्व,
और ये लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में, ठीक है। उत्तराखंड और किस वजह से न्यूज में था पिछले दिनों, क्योंकि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड ने ऑर्गेनाइज किया था एक कैंपेन जिसका नाम इन्होंने रखा था नक्षत्र सभा कैंपेन। पर्पस क्या था? एस्ट्रो टूरिज्म को स्टेट के अंदर प्रमोट करना, ठीक है। निशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो निशी ट्राइब प्रीडोमिनेंटली कहाँ रहती है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश में। अष्टामुड़ी लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अष्टामुड़ी लेक आपको मिल जाएगी केरला में। न्यूज में क्यों थी? बिकॉज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन इन इट। अकॉर्डिंग टू CEA, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स बाय द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज इन फाइनेंशियल ईयर 24। इनके मुताबिक सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स ऐड करी हैं यूपी ने, ठीक है। नेक्स्ट है इगा स्वेतिक, हु रिसेंटली वन द फ्रेंच ओपन 2024 वुमेन्स टाइटल, बिलोंग्स टू विच कंट्री। इगा स्वेतिक ने हाल ही में फ्रेंच ओपन का वुमेन्स टाइटल जीत लिया है, आपको बताना है कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोलैंड। इन्होंने इसी के साथ अपना थर्ड कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन वुमेन्स टाइटल जीता है। किसको हरा के जीता है? तो इन्होंने हराया है इसमें जैस्मीन पोलिनी को, ठीक है। तो फिलहाल ये होल्ड करती हैं वर्ल्ड नंबर वन रैंक इन द वुमेन्स सिंगल एज पर द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन का वुमेन्स टाइटल किसने जीता? इगा स्वेतिक ने। अगर आपको पता है तो आप जरूर कॉमेंट्स में लिखिएगा कि इसमें मेन्स टाइटल के विनर कौन। आई एम श्योर आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट न्यूज है। चलिए अगली स्लाइड में कुछ वुमेन एम्पावरमेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है अनामिका बी राजीव, ठीक है। तो ये बेसिकली सब लेफ्टिनेंट थी और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है एट INS रजाली, जहां पे ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं इन द इंडियन नेवी टू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ये माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया ड्यूरिंग द 102nd हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स पासिंग आउट परेड, और इस दौरान वाइस एडमिरल राजेश पेंधारकर ने गोल्डन विंग्स दिए हैं टू द 21 ऑफिसर्स एट दिस इवेंट, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी इंडियन नेवी की, ये है अनामिका बी राजीव। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिजर्व 33% ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वुमेन, ये है स्टेट कर्नाटका। इन्होंने 1/3 ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स अब रिजर्व कर दी हैं वुमेन के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को अब मिलेगा कहाँ पे? बार एसोसिएशन कमेटी ने, ये रिसेंट डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। रिसेंटली हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट को असेंड करने वाली ओल्डेस्ट वुमेन बन गई हैं ज्योति रात्रे। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो पहली वुमेन स्नाइपर BSF की कौन बनी है? इनका नाम है सुमन कुमारी, ओके। और फिर लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज वन द 2024 इटालियन ओपन टाइटल इन द वुमेन्स कैटेगरी। इसके लिए विनर है इगा स्वियातिक, ठीक है। इसमें अगर हम मेंस टाइटल की बात करेंगे तो विनर कौन थे? अलेक्जेंडर ज्वेरिन, ओके। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्रीज हैव इनिशिएटेड द प्रिपरेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024। कौन सी दो मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? ये दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। ये प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए, जो कि हम हर साल मनाते हैं 21 जून को। तो यहाँ पे डिफरेंट मीडिया यूनिट्स को यूज किया जा रहा है अंडर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंक्लूडिंग द प्रसार भारती एंड न्यू मीडिया विंग। तो जो प्रसार भारती है ये ब्रॉडकास्ट करेगा स्पेशल प्रोग्राम्स को वाया दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। वही जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये शेयर करेंगे योगा गीत को इन अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इस इनिशिएटिव में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान भी इंक्लूडेड है, जिससे कि मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर किया जाए कि वो किस तरह से योगा अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के सेलिब्रेशंस में कौन सी दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है What is the theme of World Oceans Day 2024? सबसे पहले World Oceans Day हम मनाते हैं 8 जून को, और इस साल के लिए थीम की बात करें अगर हम तो हमने थीम रखी थी Awaken New Depth, ठीक है। What is the theme for World Food Safety Day 2024? World Food Safety Day हम मनाते हैं 7 जून को, और हमने इस साल के लिए थीम रखी थी Prepare for the Unexpected, ठीक है। Which country hosted the World Environment Day 2024? World Environment Day होता है 5th of June को, और इस साल के लिए कौन सी country venue रही? सऊदी अरेबिया। Which day is observed as International Day of Innocent Children Victims of Aggression every year? Answer हो जाएगा 4 June।
विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर? आंसर हो जाएगा 1 जून. ठीक है. विच आई आई टी इज रिसेंटली कोलाबरेटेड विद नासा टू स्टडी द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? कौन सी आई आई टी है जिसने हाल ही में नासा के साथ कोलाबरेट किया है किस लिए? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस को स्टडी करने के लिए ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो ये है आई आई टी मद्रास, दैट इज डी ऑप्शन. इन्होंने नासा के जेपीएल रिसर्चर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस के रिगार्डिंग अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है. तो ये जो स्टडी है ये इन कॉमन पैथोजेंस के ऊपर फोकस करेगी और ये जो फाइंडिंग्स होंगी ये डेफिनेटली हेल्प करेंगी स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में कि किस तरह से हम कॉम्बैट करें ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को स्पेस पे ना सिर्फ बल्कि अर्थ पे भी. ठीक है. तो इसके लिए आईटी मद्रास ने पार्टनरशिप करी है नासा के साथ जिसके बाद वो मिलके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस के बारे में स्टडी करेंगे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. चलिए अगली स्लाइड में कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं. फर्स्ट है अकात्सुकी मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? ये मिशन रिलेटेड है जापान की स्पेस एजेंसी के साथ यानी कि जक्सा. विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्रवाह? इसको हाल ही में डेवलप किया है इसरो ने. ठीक है. रिसेंटली नासा कोलाबरेटेड विद विच स्पेस एजेंसी टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम फॉर द मून? नासा ने इसके यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ कोलाबरेट किया है. रिसेंटली इसरो कोलाबरेटेड विद विच कंपनी फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? आंसर हो जाएगा विप्रो 3D. ठीक है. इसरो ने इस कंपनी के साथ कोलाबरेट किया है फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर यानी कि अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज? ये वेंचर है बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जक्सा. ठीक है. नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन मिक्सड मार्शल आर्ट्स फाइटर टू विन इन द UFC? हाल ही में किसने हिस्ट्री क्रिएट की है बाई बींग द फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर जिन्होंने UFC जीत लिया है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पूजा तोमर. पूजा तोमर UP से हैं और इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की है बाई बींग द फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर टू विन इन द UFC. इनकी जो जर्नी है वो बहुत पहले स्टार्ट हुई थी जब ये सिर्फ 12 साल की थी और बिफोर UFC इन्होंने 5 नेशनल वुशू टाइटल्स भी जीते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि पूजा तोमर फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर हैं जिन्होंने UFC जीता है. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स देखते हैं जो हाल फिलहाल क्रिएट हुए हैं. विच इंडियन पैराथलीट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 55.06 सेकेंड्स इन द वुमेन्स 400 meters T20 कैटेगरी एट द ऑन गोइंग पैराथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2024 इन कोबे जापान? ये चैंपियनशिप्स कोबे में हुई थी और यहाँ पे कौन सी पैराथलीट हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया है? आंसर हो जाएगा दीप्ति जीवांजी. ठीक है. फिर नेक्स्ट है माइकोलस एलेक्ना हु रिसेंटली ब्रोक द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग मेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द डिस्कस थ्रो बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये बिलोंग करते हैं लिथुआनिया कंट्री को. विच रशियन कॉस्मोनॉट रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड फॉर स्पेंडिंग द मैक्सिमम टाइम इन स्पेस? इनका नाम है ओलोग कोनोनेनको. ठीक है. ये रशिया से हैं और इन्होंने 1000 से भी ज्यादा दिन स्पेंड कर लिए हैं स्पेस में. विच इंडियन माउंटेनियर हैज रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस इन वन सीजन? इनका नाम हमने पहले भी पढ़ा है बहुत बार. आंसर हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता. और लास्ट है रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्यूलेट? इसको अचीव किया है थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एन एक्शन प्लान टू एलिमिनेट अ मिलियन इंडियन हाउस क्रोस बाय द एंड ऑफ 2024? कौन सी कंट्री है जिसने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसके बाद ये 1 मिलियन इंडियन हाउस क्रोस को अपनी कंट्री से एलिमिनेट करेंगे बाय द एंड ऑफ 2024? आंसर है ए ऑप्शन कीनिया. केन्या की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 1 मिलियन इन्वेसिव इंडियन हाउस क्रोस को एलिमिनेट करेंगे बाय द एंड ऑफ 2024 क्योंकि इनका बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है लोकल इकोसिस्टम्स पे और पब्लिक नॉइजेंस पे. ठीक है. स्पेशली इन द कोस्टल रीजन्स क्योंकि ये जो क्रोज हैं ये अपना शिकार करते हैं इंडेंजर्ड बर्ड्स के ऊपर और इससे इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहा है इनका और इसमें मैकेनिकल और टारगेटेड कूलिंग मेथड्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया है. साथ ही लाइसेंस्ड पॉइजन दिया जाएगा फॉर कंट्रोल और ये स्पेशीज ओरिजिनेट होती हैं इंडिया और एशिया से. ठीक है. तो याद रखिएगा केन्या सरकार ने डिसाइड किया है कि वो एलिमिनेट करेंगे लगभग 1 मिलियन हाउस क्रोस इंडियन हाउस क्रोस को बाय द एंड ऑफ 2024 फ्रॉम देयर कंट्री. लास्ट स्लाइड में चलिए कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई. पहला क्वेश्चन है न्यू कैलिडोनिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? ये फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है
तो सोशलिस्ट कनेक्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने रिक्वेस्ट किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म प्लान यहाँ पे ड्रॉप करें, और ये जो है फ्रेंच टेरिटरी है साउथ पैसिफिक में, इसको कोलोनाइज किया गया था 1853 में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बस आपको याद रखना है कि ये एक ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस कंट्री की। ज़िवाल्स्की हॉर्सेज रिसेंटली सीन इन द न्यूज वर री इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेपीज ऑफ विच कंट्री, हाल ही में इनको रीइंट्रोड्यूस कराया गया है कजाकिस्तान के स्टेपीज में। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू डीप स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड एज एयर लॉरा। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अनवील कर दिया है एयर लॉरा को, जो कि एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल का। इसको डिजाइन किया गया है फॉर स्ट्राइकिंग हाई वैल्यू टारगेट्स। इसमें फीचर्ड हैं एडवांस नेविगेशन, एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज, और ये ऑपरेट करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। तो एयर लॉरा बोस्ट करता है एक रोबस्ट वॉरहेड, हाई मिशन सक्सेस रेट है इसका, और ये इंटीग्रेट किया जा सकता है इंटू वेरियस एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। तो इसकी जो सुपर सोनिक स्पीड है और साथ ही जो 90 डिग्री का अटैक एंगल है वो इसकी इफेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है अगेंस्ट द वेल प्रोटेक्टेड टारगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसराइल कंट्री। माउंट फूजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, माउंट फूजी लाई करता है जापान में। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड अ मोन्यूमेंटल 700 मीटर्स पेडेस्ट्रियन ब्रिज नेम्ड एज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ पे है, आंसर है हंगरी कंट्री में, और हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।